इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन जो लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी उसके साथ हम बॉक्सेस लेके आए हैं। उन लोगों के लिए भी लाएंगे जो उनका बजट कम होता है और उन लोगों के लिए भी लाएंगे जो हाई एंड प्रीमियम मशीन जो है वो जो है वो मतलब उनको पसंद होती है। तो आपको हर किस्म की डिवाइस जो है हमारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। कुछ लो एंड मशीन का आपको X96 Pro मिल जाता है। एक रेंज के अंदर आपको जो है हमारे पास एक K9 का वेरिएंट मिल जाता है, बहुत ही कमाल का वेरिएंट है, ठीक है, जबरदस्त। ये आपको वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों सपोर्ट करता है। इस लेवल की मशीन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपने खुद भी देखी हुई, आपके मतलब आप खुद भी हाईली रेकमेंडेड है। यार ये बात तो है, बहुत कमाल की चीज़ है। और उसके साथ जो जो फीचर्स जो चीज़ें वो सपोर्ट करती है वो बाकी डिवाइसेस में मिलती ही नहीं है और वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जो आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उस डिवाइस का नाम है X88 Pro 13। ये हमारा प्रीवियस मॉडल था, इसी का ही गोल्ड एडिशन है X88 Pro 13 गोल्ड एडिशन। रॉकचिप RK3352 लेटेस्ट चिपसेट, एंड्रॉइड 13 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम रोम 8GB 128GB, जो कुछ आपको करना है आप उसके अंदर कर सकते हैं, कंप्लीट फ्रीडम। वाईफाई 6E के साथ आती है ये डिवाइस, हो गई इसकी। वाह भाई यार, ये डिवाइस दिखाएं आप हमारे नाज़रीन, बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त डिज़ाइन, एलिगेंट और शाइनी डिज़ाइन है। हाथ भी रखते तो फिंगरप्रिंट सब जाते हैं। प्रीमियम डिवाइस 8GB 128GB में आती है। X88 Pro का एक और कमाल का जो इसका फीचर है कि आप इस डिवाइस के अंदर अगर एक्सटर्नल स्टोरेज डलवाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज की एक लिमिट होती है, ठीक है ना। ये डिवाइस 1 TB तक का स्टोरेज जो है ना सपोर्ट करती है। 1 TB विच इज इक्वल टू 1000 GB। 1000 GB का कार्ड भी जो आप इजीली इसके अंदर अटैच करके वो चला सकते हैं। बेहतरीन किस्म का डिस्प्ले है, सब बॉक्स के किसी बॉक्स के अंदर नहीं है, बहुत ही यूनिक स्टाइल डिस्प्ले आया हुआ है। अबाउट में आप आएंगे, नीचे देखें एंड्रॉइड 13 लिखा हुआ है, एंड्रॉइड टीवी ऑपरेटिंग। नॉर्मली यहाँ पे लोग दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब आपको मल्टीपल टैप करेंगे ना तो वो उसकी एक्चुअल वीडियो दिखाता है कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल लोगो है जिसमें हम क्लॉक जो है बनी हुई आती है। जब इस क्लॉक के अंदर आप मिसाल के तौर पर हम थोड़ा आगे जाते हैं, 1 बजाना होता है, समथिंग का एक सिंबल है, मैंने 1 बजा दिया। एंड्रॉइड 13 का लोगो 12000 के करीब चैनल पाकिस्तान में न्यूज़ में आते हैं। जियो न्यूज़ को खोल दिया, चालू हो जाएगा तो इसके अलावा सीरीज़ के सेक्शन में आते हैं तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजन प्राइम, जियो के शोज़ आपको ये पूरे मिल जाते हैं इसके अंदर। डिलीवरी फ्री है पूरे पाकिस्तान में, कैश ऑन डिलीवरी है, प्लस 3 मंथ्स का IPTV इसके साथ इंक्लूडेड है। एक तो ये डील हो गई, 3 मंथ आप इसको चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये एक्स्ट्रा देने तो आपको पूरा का पूरा IPTV साल का मिल जाएगा। वाह भाई, लिमिटेड टाइम के लिए रखी हुई है डील, ऑफर जो है बहुत लिमिटेड अरसे के लिए, ठीक है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजन प्राइम है, जियो वगैरह है, BBC न्यूज़ है, कोई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड जो आपकी मर्जी की इंस्टॉल करनी है, जो आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा दीगर जो है और भी आप फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, इसके अंदर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। AI की एप्लीकेशन है वो आप चला सकते हैं, ChatGPT है, Midjourney है, इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन, कैनवा लोग यूज़ करते हैं, आप इसमें चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम दानिश भाई, ठीक ठाक, आप कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अदनान, आप ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि मिड रेंज और लोएस्ट रेंज के और सबसे हाई जो कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एंड्रॉयड TV बॉक्सेस हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं? जी जी बिल्कुल, फ्रॉम द लोएस्ट हम कम रेंज वाले भी बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं, हाई एंड प्रीमियम मशीन भी जो है आपको मिल जाती है। आपको हर किस्म की डिवाइसेस हमारे प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास कौन कौन से हैं, जो लोएस्ट रेंज से शुरू करें? लोएस्ट रेंज से हम शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू व्यूवर्स भी हमारी वीडियोस देखने के लिए आते हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता कि एंड्रॉयड TV बॉक्सेस बेसिकली होते क्या हैं। एंड्रॉयड TV बॉक्स सबसे मतलब बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी हर सादे LED TV या पुराने ज़माने का जो TV होता है या अगर न्यू से न्यू आपकी LED है उन सबको स्मार्ट कर देता है। अगर आपकी TV ऑलरेडी स्मार्ट है तो उसको ये मज़ीद जो है इसकी स्पीड को, परफॉर्मेंस में इसका इजाफा कर देता है, उसकी और जो है इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं। और एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर आजकल जो है वसी रेंज में मुख्तलिफ फ़ीचर्स भी आ रहे हैं। तो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन जो लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी उसके साथ हम बॉक्सेस लेके आएँ, उन लोगों के लिए भी लाएंगे जो उनका बजट कम होता है और उन लोगों के लिए भी लाएंगे जो हाई एंड प्रीमियम मशीन जो है वो जो है वो मतलब उनको पसंद होती है। तो आपको हर किस्म की डिवाइस जो है हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम जो है लो साइड से भी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ लो एंड मशीन में आपको X96 Pro मिल जाता है। X96 Pro जो है 4GB 64GB में आती है, ठीक है। AllWinner H313 का चिपसेट इसके अंदर होता है और डुअल बैंड वाईफाई सिस्टम होता है। जो लोग इस चीज़ को समझते तो इनके लिए है, डुअल बैंड से वाईफाई से 2.4 और 5.8 GHz की जो वाईफाई की बैंड होती है दोनों को सपोर्ट करता है। अच्छी ज़बरदस्त डिवाइस है, कम बजट में ये आपको हमारी डिवाइस हमारे प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ 4800 रुपये की मिल जाएगी, जबरदस्त 4800 रुपये की मिल जाती है। इसमें स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हैं? जी जी, आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है चैनल्स वगैरह की जो है एप्लीकेशन वगैरह वो भी आपको मिल जाती है। अदन इसके अलावा भी आप बताएं कि और कौन से? जी जी बिल्कुल, इसके अलावा मजीद अगर आप इससे नीचे जाते हैं, इससे नीचे एक और लो कैटेगरी में हमें आती है, वो है टीवी बॉक्स एक्स। MX प्रो का ये एक ब्रांड है, ठीक है। MX प्रो अगर आपका काम सिर्फ अपनी टीवी को स्मार्ट करना है, उसमें यूट्यूब वगैरह देखना है तो उसके लिए बेहतरीन डिवाइस है, ठीक है। 4GB 64GB की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आती है, ठीक है। इसमें रॉकचिप RK228A की सीरीज़ जो है ना वो लगी हुई है। इसमें कभी कभार जो है दूसरा एक वेरिएंट इसके अंदर S905L2 का चिपसेट होता है। बेसिकली ये प्रोसेसर्स की गेम होती है। आपको शायद काफ़ी आप भरपूर वीडियोस बना चुके हैं चैनल पर, तो आपको पता होता है कि एंड्रॉइड बॉक्स का आपको भी आइडिया हो गया कि रैम रोम के अलावा प्रोसेसर भी एक अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है, बिल्कुल अहमियत रखता है। तो कम कैटेगरीज में, कम स्पेक्स के अंदर, कम पावर के अंदर भी प्रोसेसर आते हैं, हाई एंड पे भी प्रोसेसर्स आते हैं। तो असल वैल्यू जो होती है डिवाइस की वो उसके प्रोसेसर भी डिफाइन करता है। उसके अंदर कम जो है बजट वाले प्रोसेसर लगा हुआ है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा हाई जो है डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये डिवाइस भी ले सकते हैं। ये आपको 4500 की मिल जाएगी हमारे ऑफिस से, जबरदस्त 4500 रुपये की डिवाइस है। बिल्कुल बेहतरीन कमाल का जो है इसका फंक्शन मिल, ठीक है। यानी कि आप नॉर्मल जो है यूट्यूब वगैरह, नॉर्मल यूट्यूब वगैरह जो है ना ये सब आप चला सकते हैं, उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। बेहतरीन डिवाइस है, ठीक है। इससे ऊपर आते हैं तो हम थोड़ा मिड रेंज की तरफ जाते हैं। मिड रेंज के अंदर आपको जो है हमारे पास एक K9 का वेरिएंट मिल जाता है, बहुत ही कमाल का वेरिएंट है, ठीक है, जबरदस्त। ये आपको वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपको हमारी ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपये की मिल जाएगी, 6500 रुपये की वाईफाई प्लस ब्लूटूथ AllWinner H616 के चिपसेट के साथ ये आता है। कमाल की मशीन है, ब्लूटूथ के साथ आती है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं हमें ब्लूटूथ भी चाहिए होता है वायरलेस डिवाइसेस, तो ये मिड रेंज में वो मशीन है कि जो ब्लूटूथ भी सपोर्ट करती है। अच्छा, इसमें हम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। जबरदस्त डिवाइस है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी कंसीडर करते हैं, मैं कंसीडर करता हूँ उसको कि आप कम अगर मिड रेंज में है तो ये आपके लिए। अच्छा, मिड रेंज की डिवाइसेस के बारे में आप ये बताएं कि इसमें कोई वारंटी वगैरह आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप T9 वाली डिवाइसेस लेते हैं तो इसकी आपको साल की वारंटी मिल जाएगी, एक साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये चीजें आती रहती है तो हमारे पास आपको इजीली क्लेम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वारंटी के तहत तमाम डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क वगैरह हर चीज मिल जाती है, तो आप उसके थ्रू जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई रिप्लेसमेंट वगैरह के आपके कुछ अगर तो इन केस कोई ऐसा मसला आ जाए तो कोई बड़ा सीरियस मसला होता है तो उसमें जो है डिवाइस जो है वो रिप्लेस भी हो जाती है, कोई मसला नहीं। सही है। जैसे किसी को कोई और हाई वेरिएंट पसंद आ जाए तो आप हाई वेरिएंट अगर ये है कि आप मतलब फॉर द मतलब एक ऐसा रीजन है कि कुछ कस्टमर कहते हैं कि हमने एक डिवाइस खरीदी है लेकिन अब जो है इसका एक नेक्स्ट वेरिएंट आ गया है तो हम चाह रहे हैं कि उस पर कन्वर्ट होना, तो उसके लिए जो है रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है। वारंटी सिर्फ उस केस में होती है कि अगर डिवाइस के अंदर कोई डैमेज या कोई इशूज़ आ रहा है तो वो वहाँ पर हम आपको जो है सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर सी बात है फिर आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। ये हमारे Tech4Style की एक पॉलिसी है। यही मैं वाजे करना चाह रहा था। तो अच्छा, इसके अलावा आप मिड रेंज पर आ जाए। मिड रेंज में आपको एक और डिवाइस हमारे पास मिल जाती है, ये आपको वीटेक का एक सेटअप बॉक्स है, ये मिल जाता है। ये एक नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर आया है, V8 मिनी है, बेसिकली एंड्रॉइड 12 में 8128 की कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल जाता है। ये बेसिकली आपको हमारे पास से सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपये का मिल जाएगा, 7000 रुपीज़ का। ये बहुत ही अच्छी और प्रीमियम डिवाइस है, मैंने चलाया इसको एक मिड रेंज में आपके लिए, ये लोगों को सूट करती है, लोगों ने चलाया है, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यानी कि आप अपनी ऑडियंस के लिए हर किस्म के बॉक्सेस आप हर किस्म के आपको मुख्तलिफ वैराइटीज जो है हमारे पास से मिल जाएगी, ऐसा ही होना चाहिए, जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास H96 Max का वेरिएंट है, ये भी AllWinner S616 के साथ आया था। H96 Max में ये खास बात है कि ये हर प्रोसेसर, हर कंपनी के चिपसेट के साथ आया है। इसमें आपको AllWinner की सीरीज भी मिलती है, इसमें M-Logic की भी मिलती है और इसके अलावा रॉकचिप की भी मिलती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है H96 Max का AllWinner S616 का चिपसेट है, बेहतरीन डिवाइस, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ है, 8128 वाईफाई प्लस ब्लूटूथ, ये आपको मिल जाता है। ये आपको हमारे ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ 9000 रुपीज़ का मिल जाएगा, 9000 रुपये की ये डिवाइस है, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है बजट को इंक्रीज। इसी के साथ H96 Max का एक दूसरा वेरिएंट है, ये एंड्रॉइड 13 के अंदर आया है, एंड्रॉइड 13 रॉकचिप। मैंने जैसा कि बताया ये AllWinner की सीरीज़ में था, ये रॉकचिप की सीरीज़ में। रॉकचिप वाला अगर आप लेते हैं एंड्रॉइड 13 के साथ तो ये आपको मिल जाएगा 9500 रुपये का, 9500 रुपये का। तो आप किसको कंसीडर करेंगे कि वो बेहतर है या ये बेहतर है? देखें, हर कस्टमर्स जो है ना अपने हिसाब से सर्च भी कर रहे होते हैं, तो हम बेसिकली कोशिश होती है कि कस्टमर जब हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, हमें अपने वो रिक्वायरमेंट्स बताते हैं ना, तो हम उस हिसाब से उनको जो है सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये डिवाइस ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, उनके क्यूरीज के हिसाब से, ताकि उनको भी जो है डिसाइड करने में खुशी होती है कि लोग जो है आप कुछ कंसीडर करते हैं, हम इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको जब वो चीज़ लेते हैं तो वाकई सेटिस्फाई भी होते हैं। तो आपको रिव्यूज़ वगैरह भी हमारे पेज पे मिलेंगे, इसीलिए होते हैं कि लोग जो है जो फैसला किया होता है अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सही किया होता है। तो उसके अंदर अब हम आते हैं थोड़ा अब एलीट क्लास की तरफ, मजीद जो हम बड़ी मशीनों की तरफ आते हैं। उसमें अब हम एक न्यू मशीन की जो है इंट्रोडक्शन कराएंगे, जो पाकिस्तान में आपको जो है नहीं मिलेगी, क्योंकि इस लेवल की मशीन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आपने खुद भी देखी हुई, आपको के मतलब आप खुद भी हाईली रिकमेंडेड। हाँ यार, ये बात तो है, बहुत कमाल की चीज़ है। उसके साथ जो जो फीचर्स, जो चीज़ें वो सपोर्ट करती है, वो बाकी डिवाइसेस में मिलती ही नहीं है और वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जो आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उस डिवाइस का नाम है X88 Pro 13। ये हमारा प्रीवियस मॉडल था, इसी का ही गोल्ड एडिशन आया है, X88 Pro 13 गोल्ड एडिशन। आउटस्टैंडिंग मशीन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ है। रॉकचिप RK3528 लेटेस्ट चिपसेट, एंड्रॉयड 13 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम रोम 8GB, 128GB, जो कुछ आपको करना है आप उसके अंदर कर सकते हैं, कंप्लीट फ्रीडम। वाईफाई 6E के साथ आती है X88 Pro 13। ये हमारा मॉडल है, सबसे लेटेस्ट, बहुत ही कमाल का मॉडल है। वाईफाई 6E, एंड्रॉयड 13, रॉकचिप RK3528, USB 3.0, ब्लूटूथ 5.3 जो है सपोर्ट करता है आप, ठीक है। इसके अंदर की हम जो इसके हम बॉक्सिंग भी करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या सामान मिलता है। गोल्ड एडिशन में जब आप आते हैं तो उसमें आपको डिवाइस मिलती है, इसका अपना एक एयर माउस जो इसका स्मार्ट रिमोट है वो मिलता है। स्मार्ट रिमोट बेसिकली ये 4 in 1, बेसिकली मैं कहूँगा 5 in 1 फंक्शन होता है इसके अंदर। लोगों को नहीं पता होता, लोग समझते हैं जस्ट तीन फंक्शन, लेकिन इसके अंदर बेसिकली 5 फंक्शन है मेरे हिसाब से। ये पहला फंक्शन जो एक सिंपल रिमोट है जी। दूसरा इसके अंदर जो है आपका कीबोर्ड का फंक्शन हो गया, ठीक है, जिससे आप कीबोर्ड टाइप कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर जो है वॉइस का ऑप्शन मौजूद है, जिससे आप जो रिमोट में बोलते हैं वो सर्च कर देता है। चौथा इसके अंदर जायरोस्कोप का ऑप्शन है कि हाथ के इशारे से चलता है, एयर माउस की तरह ऑपरेट करता है। और पांचवा इसके अंदर IR लर्निंग के बटन्स दिए हुए हैं, जिनको आप टीवी पे या अपने AC पे या कोई भी आपकी AC डिवाइस जो रिमोट से कंट्रोल होती है वो आप इस पे सेट कर सकते हो। एक ही रिमोट आपके पूरे घर को कंट्रोल कर सकता है। वाह यार, तो ये 5 फंक्शन इस रिमोट के अंदर मौजूद है, ठीक है सर, यानी मल्टीपल रिमोट है, ठीक है। इसके साथ ये डिवाइस हो गई इसकी। वाह भाई यार, ये डिवाइस दिखाएं आप हमारे नाज़रीन, बहुत ही कमाल की जबरदस्त जो है डिजाइन, एलिगेंट और शाइनी डिजाइन है। हाथ भी लगते तो फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। 8GB 128GB में आती है। 2 इसके अंदर USB के स्लॉट हैं, एक्सटर्नल SD कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हैं, ये डिवाइस की स्लॉट्स आती हैं। इसके अलावा HDMI केबल से LEDs आप कनेक्ट कर सकते हैं। पुराने ज़माने का टीवी है तो इसमें AV की तार से पुराने डब्बा पे टीवी जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। वायर इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, पावर एडोप्टर यहाँ लगेगा। होम थिएटर से SBDIF की जो पोर्ट है उससे होम थिएटर आपके सिस्टम वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत मल्टीपल ऑप्शन है और डिजिटल डिस्प्ले भी आपका यहाँ पे आता है, जो चीज़ आपको देखनी, टाइम वगैरह कोई भी चीज़, हर चीज़ यहाँ पे शो करता है। अच्छा, एक सवाल है कि ये डिवाइस ऊपर से तो खूबसूरत है जी जी, तो ये नो डाउट, अंदर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या इसको सपोर्ट करता है? आउटस्टैंडिंग सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जैसे USB वगैरह लगाना चाहते हैं, तो सुना है मैंने कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सपोर्ट करता है, इसके बारे में बताएं। सर नॉर्मली आपने जितनी भी डिवाइसेस देखी, एक न्यू चीज़ है, हम लोगों को नहीं पता, उससे लिए भी अवेयरनेस कराते हैं। X88 Pro का एक और कमाल का जो इसका फीचर है कि आप इस डिवाइस के अंदर अगर एक्सटर्नल स्टोरेज डलवाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज की एक लिमिट होती है, ठीक है ना। ये डिवाइस 1 TB तक का स्टोरेज जो है ना सपोर्ट करती है। 1 TB विच इज इक्वल टू 1000 GB। 1000 GB का कार्ड भी जो आप इजीली इसके अंदर अटैच करके वो चला सकते हैं। नॉर्मली नहीं होता, डिवाइस जो है वो उसके बोर्ड सपोर्ट नहीं कर पाते, वो हीटअप या ब्लास्ट वो जो है मतलब सपोर्ट ही नहीं कर पाते, बिल्कुल ओवरलोडेड हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा 256 तक या कहीं जाके 500 तक जाते हैं। तो ये 1 TB तक जो है डिवाइस स्टोरेज को सपोर्ट करती है। जबरदस्त, ये इसकी एक कमाल की फीचर है। बाकी जो इसके और मजीद फीचर है वो इंशाल्लाह डेमो करके आपको बताएंगे। मजीद इसके साथ क्या आता है, इसका यूजर मैनुअल है वो आपको मिल जाता है, ठीक है, वो इसके साथ है। एंड इसके साथ आपको मजीद सामान, इसमें इसका पावर एडोप्टर मिलता है जिससे इसको पावर मिलती है। एंड इसके अलावा इसके HDMI केबल आपको मिलती है जिससे डिस्प्ले LED में आ सकता है। इसका नॉर्मल रिमोट है जो इसका एक और बैकअप पे स्टैंडर्ड रिमोट दिया जाता है। बैकअप पे आपको ये दूसरा रिमोट मिलता है। तो ये तमाम सामान जो है ना इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है। बहुत ही जबरदस्त और कमाल की जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जी। तो अदनान, आगे जाने से पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अगर किसी के पास 10,000 रुपये हैं और वो चाहता है कि यार उसको ओरिजिनल एंड्रॉयड टीवी बॉक्स मिल जाए, तो वो है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको मिल जाएगी। आपको मैंने कहा ना कि आपको जिस तरह की डिवाइस चाहिए आप कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। X88 Pro 13 एक एलीट क्लास प्रीमियम डिवाइस कहलाती है। इसके बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हमने कुछ डील्स वगैरह भी निकाली हुई है इंशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू ईयर भी आ रहा है, नई डील्स ऑफर्स के साथ हम इसके प्राइस भी इंशाल्लाह कोट करेंगे। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इसके फीचर्स और चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव है थोड़ी, तो मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगा, वो मेरी सेकंड बेस्ट डिवाइस है, कम बजट के अंदर आपको मिलती है। उस डिवाइस का नाम है इवेंचुअली टीवी बॉक्स। बहुत ही कमाल का शानदार डिवाइस है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने खुद जो है चेक किया, सेटिस्फाइड है उसकी परफॉर्मेंस के साथ। 8GB 128GB ऑलविनर S616 के चिपसेट के साथ है। इसका ऑलविनर S616 का V2 का चिपसेट है। वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों मौजूद है इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग कैमरा चलाने हैं, कुछ भी आपको चलाना है, ईच एंड एवरीथिंग सिक्योरिटी कैमरा, जो एप्लीकेशन आपको करनी है आप इंशाल्लाह इसके अंदर कर सकते हैं। कोई आपको इसके अंदर भी जो है रुकावट नहीं आएगी, कोई क्रैश नहीं होगा, कोई हैंग नहीं होगा, कोई बफरिंग नहीं होगी, कोई लैग नहीं होगा। ये डिवाइस भी इस लेवल की है, बस ये है कि ज़ाहिर सा थोड़ा सा पुराना मॉडल है। तो ये डिवाइस आपको सिर्फ और सिर्फ 9500 की मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी ऑफर चल रही है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये डिवाइस आप जो है यूज़ करें, आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी स्पीड बाकियों के मुकाबले मुकाबला ही नहीं है बाकी डिवाइसेस का, इन दोनों के सामने मैं तो कहता हूँ ज़बरदस्त। ये तो अपनी ही लेवल पे जो है इसका तो अलग ही लेवल है, इवेंचुअली भी जो है कम नहीं है। ठीक है, बेहतरीन डिवाइस। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इंशाल्लाह इसकी डेमो करते हैं, डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं एंड्रॉइड बॉक्स किसी से ऑपरेट करता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम X88 Pro को ही चलाएंगे ताकि हम उसके तमाम चीज़ें भी बता सकें, बिल्कुल, और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। बिल्कुल, चलेंगे, शुरुआत करते हैं। ये तो आपकी वीडियो लगी हुई है माशाल्लाह से। जी जी बिल्कुल, काफ़ी देर तो मैं ये देख रहा हूँ माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी वीडियो है जी। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है। तो अब हम जो है एंड्रॉइड बॉक्स को चला के दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके का इसका स्टार्टिंग इंटरफेस होता है। ठीक है, जब आप एंड्रॉइड बॉक्स ऑन करते हैं तो देखें नीचे डिवाइस हमने कनेक्ट की हुई है, इसमें देखें डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है, दो तार लगी हुई है, HDMI और पावर एडप्टर दोनों से ही कनेक्टेड है। डायरेक्ट आप डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो ये आपका LED का कुछ हिस्से का डिस्प्ले आता है। बेहतरीन किस्म का डिस्प्ले है, ऐसा बॉक्स के किसी बॉक्स के अंदर नहीं है, बहुत ही यूनिक स्टाइल डिस्प्ले आया हुआ है। तो आप सिंपली इसमें सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप जो है अपना वाईफाई जो भी कनेक्ट करेंगे तो आपका टीवी जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं आप इसके अंदर। अगर ब्लूटूथ की कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है तो रिमोट एंड एक्सेसरीज से कर सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको एंड्रॉइड 13 का एक ऑप्शन दिखाता हूँ। डिवाइस प्रेफरेंस में जाएंगे, डिस्प्ले बल्कि आप इसमें जाएंगे अबाउट के अंदर। ठीक है, अबाउट में आप आएंगे, नीचे देखें एंड्रॉइड 13 लिखा हुआ है, एंड्रॉइड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली यहाँ पे लोग दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको मल्टीपल टैप करेंगे ना तो वो उसकी एक्चुअल दिखाता है कि बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ये एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल लोगो है जिसमें हम क्लॉक जो है बनी हुई आती है। जब इस क्लॉक के अंदर आप मिसाल के तौर पे हम थोड़ा आगे जाते हैं, एक बजाना होता है समथिंग, इसका एक सिंबल है, ये मैंने एक बजा दिया। देखिए एंड्रॉइड 13 का लोगो जबरदस्त यार, ये निशानी है एंड्रॉइड 13 की ऑफिशियल ओरिजिनल की पहचान है, ओरिजिनल की पहचान है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर एंड्रॉइड 13 हमने देख लिया, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों फंक्शन इसके मौजूद है, इंटरनेट से कनेक्ट हो गई। देन आप जो है होम स्क्रीन पे आएंगे, एप्लीकेशंस ये सारी आप जो है आपको उसके अंदर मिलती हैं। यूट्यूब हम चला लेते हैं इसके अंदर, यूट्यूब आप खोलेंगे जो है यूट्यूब आपका जो है लोड होते ही फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी वीडियो चल रही थी वहीं से कंटिन्यू हो गई। अच्छा, वीडियो चलते हुए में अगर हम किसी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है लेटेस्ट डिवाइस है तो हर किस्म का फीचर ये आपको सपोर्ट करती है। ये वॉइस असिस्टेंट का एक एडवांस फीचर है। ठीक है, नॉर्मली वॉइस असिस्टेंट आपने किसी भी डिवाइस में देखा होगा कि आप YouTube पे वॉइस के थ्रू जो भी बोलते हैं वो सर्च हो जाता है। हमने ये भी दिखाया था कि वॉइस के थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशंस भी खोल सकते हैं। ये भी एक फंक्शन है कि आप इस यहीं खड़े होते हुए आप किसी और एप्लीकेशन को आपको खोलना है तो बगैर बैक किए हुए बस आप रिमोट में बोलते ही वो चीज़ कर सकते हैं। वो भी चेक कर लेते हैं किस तरीके से होता है। नेटफ्लिक्स, वाह, ये देखें, ये मैंने नेटफ्लिक्स को बोला था और नेटफ्लिक्स जो है वो ऑन हो गया वहाँ से। वाह यार, ये वॉइस कमांड पे ही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आप जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम चले गए। यहाँ से आप जब बैक आएंगे तो आपकी प्रीवियस जो एप्लीकेशन है ना वही वहीं से कंटिन्यू होगी, वहीं से कंटिन्यू होगी। आप बैक करेंगे, ठीक है, ये मैंने यहाँ से बैक कर दिया इसको। ये देख, ये आपकी वीडियो वहीं से कंटिन्यू हो गई। ठीक है, तो आप ये देखें, ठीक है, वहीं से वीडियो कंटिन्यू हो रही है। ज़बरदस्त, तो ये भी एक इसका फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये YouTube हमारा ऑन हुआ है पहले से, आपका YouTube का वॉइस का फंक्शन भी यहाँ पर आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, मेरे से यूट्यूब के अंदर या ये सर्च बार में या आप वॉइस के अंदर क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल न्यू नाथ, ये देखें, कोई भी अगर नाते होंगे तो ये सर्च कर देगा। ठीक है, अगर आपको कुछ और सर्च करना है किड्स के लिए, डोरेमोन कार्टून, वाह यार, यही चीज़ इसकी पसंद है यार। फटाफट जो है कमांड ऑपरेट करके ये चला रहा होता है। ठीक है, यहाँ से आप कोई एप्लीकेशन खोलना चाहे, बाहर डैशबोर्ड से आप खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई एप्लीकेशन खोलना चाहता हूँ जैसे कि प्राइम वीडियो, ये देखें प्राइम वीडियो जो है वो ऑन हो गई है। ये प्राइम वीडियो का स्टार्टिंग स्क्रीन है। ज़बरदस्त, ठीक है, प्राइम वीडियो एक हैवी एप्लीकेशन है, इसके अंदर यूज़र पासवर्ड और आपको जो है इसकी एक स्टार्टिंग स्क्रीन पे क्रेडेंशियल आते हैं तो वो आपको उसमें देने होते हैं। ये प्राइम वीडियो जो है आपका ऑन हो गया। और एक चीज मैं और देख रहा हूँ अदनान कि बहुत हैरत की बात है कि तुमने जो है इंटरनेट केबल नहीं लगाया, केबल नहीं लगाया, वाईफाई से डायरेक्ट ये वायरलेसली ऑपरेट हो रहा है और ये काफी दूर से वाईफाई आ रहा है इसका, तो इतने दूर से जो है ये कैच करेगा क्योंकि वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी इसके अंदर मौजूद है। तो मल्टीपल वाईफाई के जितने भी इंटीग्रेशन इसकी अच्छी हुई हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से वाईफाई को यूटिलाइज करके आगे प्रोसेस कर रहा है यार, गुड। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर चैनल्स की एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, वो भी चला सकते हैं। IPTV वगैरह है वो उसके साथ मिलता है आपको, वो भी आप चला सकते हैं, तो वो भी हम चला के दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमने IPTV ऑन किया है कस्टमर्स के लिए, ये IPTV ऑन हो गया। लाइव टीवी है सेक्शन में गए तो लाइव टीवी के अंदर आपको भरपूर जो है चैनल्स की कैटेगरी मिल जाती है। ऑल द वे 12,000 के करीब चैनल्स के अंदर 12,000 के करीब चैनल्स है। पाकिस्तानी न्यूज़ में आते हैं, जियो न्यूज़ को खोल लिया हमने, जियो न्यूज़ चालू हो जाएगा आपके सामने, देखिए फ़ौरन से गुड यार। इसके अलावा कोई और चैनल आपको चलाना है, 92 न्यूज़ का है, ये मैंने चला लिया, ये फॉरन से लोड करता है। हालांकि देखें कोई केबल नहीं है, बिल्कुल कोई केबल नहीं है, देख सकते हैं आप नाज़रीन, कोई केबल नहीं है, जस्ट इंटरनेट से प्योरली वाईफाई से चल रहा है। इसी तरह का सेक्शन इसके अंदर है, 50,000 प्लस मूवीज आपको मिल जाती है इसके अंदर, ऑल द वे डाउन कैटेगरी वाइज आप देखें, बहुत कमाल का आपको कॉन्टेंट्स में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सीरीज़ के सेक्शन में आते हैं तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम, HBO के शोज़ आपको ये पूरे मिल जाते हैं इसके अंदर। ये कंप्लीट कलेक्शन है जो आपको इस डिवाइस के साथ मिल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, डील ऑफर्स के अंदर न्यू ईयर की डील चल रही है, तो मैं इसके प्राइस भी इंशाल्लाह आपको कोट कर देता हूँ। अच्छा जी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये मुझे बताएं आप जी, मैं आपसे पूछने वाला था, आपने खुद बता दिया। बिल्कुल, देखिए न्यू ईयर जो है चल रहा है तो उस हिसाब से जब हमने इसको स्टार्टिंग लॉन्च किया तो 13,499 इसकी प्राइस थी, प्री ऑर्डर्स बुकिंग चल रही थी, लोगों ने मंगवाई थी, चला रहे हैं और अच्छे पॉजिटिव फीडबैक है। अब न्यू ईयर की डील है तो इसके लिए जो है ऊपर से पॉलिसी आई है, पॉलिसी रिवाइज हुई है, तो प्राइस के अंदर एक चेंज आया है। तो अब जो है जो भी कस्टमर इसको हमसे बाय करेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ 12,499 रुपये में डिवाइस मिलेगी। 1000 रुपीज़ ऑफ वेव है, डिलीवरी फ्री है, पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है, प्लस 3 मंथ्स का IPTV इसके साथ इंक्लूडेड है। एक तो ये डील हो गई, 3 मंथ्स आप इसको चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको साल तक का कन्वर्ट करना है, IPTV आप चाहते हैं आगे साल तक ये तमाम चैनल्स वगैरह आप देखते रहें बगैर केबल, बगैर इंटरनेट, उसके बगैर केबल के इंटरनेट से सिर्फ चलता है ये, तो ये आप साल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये एक्स्ट्रा देने पे आपको पूरा का पूरा IPTV साल का मिल जाएगा। वाह भाई, लिमिटेड टाइम के लिए रखी हुई है डील, ऑफर जो है बहुत लिमिटेड अरसे के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रमोशन चल रही है, जब तक ये है तब तक इंशाल्लाह हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। जिसने 1 साल का ले लिया तो अब तो 25 पे जाके खत्म होगा भाई। बिल्कुल ऐसे ही 25 तक के मजा है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया भर के एंटरटेनमेंट देखो, बिल्कुल एंटरटेनमेंट समंदर है वाकई में, जाहिर सी बात है। अनलिमिटेड आपको कंटेंट्स का मिल जाता है, डील्स एंड ऑफर बहुत प्यारी हैं, स्पीड एंड परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, न्यू फीचर्स के साथ है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बाय करें आप और इस चीज़ को अवेल करें। ठीक है, अच्छा वैसे इसमें हम कौन कौन से एप्लीकेशंस को देख सकते हैं? इसके अंदर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम है, HBO वगैरह है, BBC न्यूज़ है। कोई एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड जो आपकी मर्जी की इंस्टॉल करनी हो, जो आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। YouTube के अलावा दीगर जो है और भी आप Facebook चला सकते हैं, Instagram चला सकते हैं, इसके अंदर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। AI की एप्लीकेशन है वो आप चला सकते हैं, ChatGPT है, Midjourney है, इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस। कैनवा लोग यूज़ करते हैं, आप इसके अंदर चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग पूरा कंट्रोल है। ठीक है ना, आपको डिवाइस, बाकी डिवाइसेस आप यूज़ करने जाएंगे क्रैश हो जाती है, ऑल इन वन फीचर आपके साथ है। आपके टीवी पे आपका पूरा का पूरा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अदनान, अब लास्ट में ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाय करना चाहता है या फिजिकली आना चाहता है तो अपनी लोकेशन बताइएगा और अपना कॉन्टेक्ट नंबर और वेबसाइट भी। बिल्कुल, लोकेशन बड़ी आसान है। ठीक है, फिजिकली आप आना चाहते हैं सदर मोबाइल मार्केट में आएंगे। ठीक है, अब्दुल्ला हारून रोड बड़ा सा मशहूर है, यहाँ पर स्टार सिटी मॉल है, स्टार सिटी से थोड़ा आगे आएंगे अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, येलो कलर की बिल्डिंग है, ब्लू कलर के शीशे वगैरह लगे हुए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस पर ऑफिस नंबर 1109 11 फ्लोर पे, तो कुछ इस तरीके का एड्रेस है, ऑफिस नंबर 1109 11 फ्लोर अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सदर मोबाइल मार्केट, कराची, ऑपोजिट स्टार सिटी मॉल। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट भी है www.tech4style.com, यूट्यूब पे चैनल है Tech4Style, इंस्टाग्राम पे Tech4Style से चैनल है, फेसबुक पर पेज है, वहाँ से आप लाइक करें, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारी टीम से रब्ता करना है तो स्क्रीन पे नंबर है 03442363 417, यहाँ से आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एंगल से आप जहाँ से चाहें जो है Tech4Style के प्लेटफॉर्म से मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी ज़बरदस्त आपने लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के बारे में। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।